Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. जी हाँ, मैं अहमदाबाद से आया, जमालपुर से. दिक्कत ये है कि कोरोना के लिए यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है. ना खाना मिल रहा है, किराया इतना महंगा है. 25 से 30 लोग अहमदाबाद से अटके हुए और ना ही ट्रेन है ना बस है. कुछ बहुत सारी दिक्कत हो रही है यहाँ पर, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है. सब बच्चे लोग भी है, फैमिलीज़ के साथ है, सब लेडीज़ है. बच्चे लोग को जी अजमेर हम दरगाह पर आए थे 3 दिन पहले, दरगाह शरीफ पर. तो उसके बाद ऐसा पता चला कि सारा बंद हो चुका है. मोदी जी ने बोला 1 दिन के लिए बंद होगा, तो हमारे को ऐसा लगा 1 दिन बंद रहेगा. फिर या तो 31 तारीख तक बताया जा रहा है. ज़ियारत करी क्या आपने? जी दरगाह पर 1 दिन जा रहा है, तो सैटरडे फ्राइडे को, फ्राइडे के दिन बंद कर दिया रात को. ऐसा सारा प्रॉब्लम्स हुआ और हमारे को खाने में दिक्कत हो रही है. ना कोई होटल है, ना कुछ है, ना बस ट्रेन वगैरह, सब कुछ बंद. अब क्या तकलीफ झेलनी पड़ रही है? तकलीफ ये रोड पर खड़े हैं और क्या, दूसरा कोई रास्ता नहीं हमारे पास. फैमिलीज है, इतनी सारी फैमिलीज है, एक फैमिली भी नहीं है. बहुत सारे नाम बताओ. मेरा नाम फैसल कुरैसी है. परेशानी जी बहुत है जी इस चीज़ में, लॉकडाउन करने के वजह से ना तो ट्रेन का साधन ना कुछ साधन है. आज मैंने टिकट अहमदाबाद के लिए जाने के लिए करा रखा था, उसके बाद भी ना मुझे कोई सुविधा मिल रही, ना व्हीकल की सुविधा. खाने से परेशान हूँ, पर्स में पैसे खत्म हो चुके, हर चीज़ की दुविधा हो चुकी है मेरे लिए. रेलवे स्टेशन आए थे, रेलवे स्टेशन एंट्री नहीं होने दे रहे मुझे. क्या कह रहे हैं आपको? मुझे बोले जाइए, आपकी कोई ट्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो बताइए मेरे किस व्हीकल से या कौन से साधन से, या रेलवे को प्रशासन से कुछ सुविधा तो करनी चाहिए ना कि आधी दूरी तक या कुछ दूरी तक मुझे वहाँ तक पहुँचाया जाए. बस की सुविधा हुई नहीं? बिल्कुल भी नहीं है जी. बस सुविधा है तो वहाँ से भी कैंसिल है सारा. कोई भी सुविधा या कोई भी मुझे परेशानी उठानी पड़ रही है. बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी. ना खाने के लिए कुछ है, ना कुछ, सब रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद है. नहीं कहीं एंट्री होने दे रहे हैं मुझे, ना कहीं बैठने की सुविधा मिल पा रही है. परिवार के साथ आए थे? नहीं, मैं अकेला आया था सर. आपका नाम? मेरा नाम है विश्वास मत. नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन. देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं. इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे. खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें. इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें. अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं. आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं. भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें. अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें. अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें. अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046. अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए.